हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकंड्रॉन एलडीसीई क्लासेस। सरकंड्रॉन एलडीसीई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीसीटीसी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का जो एग्ज़ाम लखनऊ डिवीज़न में हुआ था, जो पूर्वोत्तर रेलवे में पड़ता है, यह एग्ज़ाम 30 मई 2024 को हुआ था। यह एग्ज़ाम 30 मई 2024 को हुआ था। तो आज की क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि उस एग्ज़ाम में जो है ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और रेलवे के जीके जीए से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कैपिटल ऑफ कनाडा, कनाडा की राजधानी कहाँ है। आंसर विल बी ऑप्शन बी ओटावा। कनाडा की राजधानी जो है ओटावा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच सिटी। आंसर विल बी ऑप्शन डी पेरिस। कहता है 2024 का जो ओलंपिक है वह कहाँ होने वाला है, तो वह पेरिस में होने वाला था, ठीक है, जिसमें हमारे कितने भारतीय प्लेयर्स जो है कितने मेडल्स जीत के लाए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो 2024 का जो पेरिस ओलंपिक पेरिस में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विच आर द फ्लोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट टच नेपाल बॉर्डर। हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी असम। कहता है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के बॉर्डर से नहीं मिलता है, नेपाल के सीमा को नहीं छूता है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, ये जो है नेपाल से सटे हुए हैं, लेकिन असम हमारा सटा हुआ नहीं है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाई पॉपुलेशन। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। कहता है भारत का जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वह है हमारा उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। आंसर विल बी ऑप्शन सी एलिफेंट। कहता है भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, तो वह होगा हमारा हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फ्लोइंग रिवर्स पासिस थ्रो यूपी। आंसर विल बी ऑप्शन ए सोन। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यूपी से होकर उत्तर प्रदेश से होकर पास करती है, गुजरती है, तो वह है सोन नदी, उत्तर प्रदेश से होकर पास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया। आंसर विल बी ऑप्शन सी मीरा कुमार। कहता है भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो वह मीरा कुमार थी। फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा भारत की सेकेंड महिला स्पीकर कौन थी, भारत की दूसरी महिला स्पीकर कौन थी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द स्लोगन ऑफ जय जवान जय किसान। आंसर विल बी ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो ये हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने यह नारा दिया था। फ्रेंड्स हमें यह कमेंट बॉक्स में बताइएगा जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज गांधी जीज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया। आंसर विल बी नन ऑफ दीज। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह था, ठीक है ना। तो इसमें से कोई भी इसके ऑप्शन नहीं, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड। आंसर विल बी ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। कहता है भारतीय संविधान कब अपनाया गया था, तो यह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग केमिकल कंपाउंड कंटेन्स ओएच एज सफिक्स। आंसर विल बी योर अल्कोहल। कहता है निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक में सफिक्स के रूप में प्रत्यय के रूप में ओएच जोड़ा जाता है, देखिए ओएच जो होता है वो अल्कोहल में होता है, ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर बी होगा। नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना, बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉन मेटल। हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कहता है इनमें से कौन सा नॉन मेटल है, देखिए सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सबके सब क्या है, मेटल है, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इनर्ट गैस। हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए हीलियम।
तो ये कहता है इनमें से कौन सा इनर्ट गैस है, तो इनर्ट गैस इसमें से जो है हीलियम है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी जुपिटर। कहता है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, तो सौर मंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होते हैं, ठीक है ना। आप फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरी बेरी इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी वन। कहता है बेरी बेरी जो रोग होता है वो विटामिन बी वन के कमी से होता है, ठीक है ना। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो रतौंधी जो बीमारी होती है वो किस विटामिन के कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ स्पेसीज आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पार्टिकुलर एरिया, आंसर विल बी ऑप्शन बी इंडेमिक। कहता है किस प्रकार की प्रजातियां किसी विशेष क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाती है। कहने का मतलब कुछ ऐसे भी स्पेसीज होते हैं, कुछ ऐसे भी प्रजातियां होती है जो किसी खास क्षेत्र में मिलते हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है इंडेमिक, आंसर होगा ऑप्शन बी जिसको हिंदी में स्थानिक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट कॉल्ड, आंसर विल बी ऑप्शन ए पैरासाइट। कहता है ऐसे जीव जो एक अन्य जीव के शरीर पर या उसके अंदर रहता है और उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है, इसको हम लोग परजीवी कहते हैं, इंग्लिश में पैरासाइट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट इज ए फॉर्म ऑफ, योर आंसर विल बी ऑप्शन डी एनर्जी। लाइट क्या है, प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, आंसर डी होगा ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस। कहता है एक स्वस्थ मनुष्य का जो सामान्य तापमान होता है वह कितना होता है, तो वह होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द रेट ऑफ चार्ज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड, आंसर विल बी ऑप्शन सी वेलोसिटी। कहता है व्हाट इज द रेट ऑफ चार्ज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के चार्ज का जो रेट होता है वो क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। कहने का मतलब है विस्थापन परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, तो विस्थापन परिवर्तन की दर वेग कहलाती है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजभाषा नियम के अनुसार भाषा की दृष्टि से देश को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो राजभाषा नियम के अनुसार भाषा की दृष्टि से क्षेत्र को देश को जो है तीन क्षेत्रों में बांटा गया है, क ख ग। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ग क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा आंध्र प्रदेश। कहता है इनमें से कौन सा ग क्षेत्र में आता है, देखिए उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश चंडीगढ़ ये नहीं आएगा, ग में जो है आंध्र प्रदेश आता है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की आठवीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं शामिल की गई थी, तो देखिए संविधान की आठवीं अनुसूची में प्रारंभ में 14 भाषाएं शामिल की गई थी। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा अभी वर्तमान में संविधान की आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1935, 1947, 1952, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। कहता है वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गोवा की राजभाषा कौन सी है, आंसर होगा कोंकणी, गोवा की जो राजभाषा है ऑप्शन में जो दिए गए उसके अनुसार कोंकणी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गठित लिपि सुधारक समिति के संयोजक कौन थे, आंसर होगा ऑप्शन ए काका कालेलकर। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गठित जो लिपि सुधारकर समिति थी उसके संयोजक काका कालेलकर थे, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना 7 जून 1955 को की गई थी, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी पर समासिक संस्कृति के
वहाँ का दायित्व तो संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं, हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहाँ का दायित्व तो संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा 351 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है? तो राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा का 4 यह जो है संसदीय राजभाषा समिति के गठन से आधारित है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए तकनीकी मौलिक लेखन नगद पुरस्कार योजना किसके नाम पर है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त के नाम पे है। क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं, हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए तकनीकी मौलिक लेखन नगद पुरस्कार योजना किसके नाम पे है? तो वह है मैथिली शरण गुप्त के नाम पे है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके जीएस और राजभाषा से संबंधित प्रश्न थे जो हमारे सीसीटीसी कमर्शियल कम टिकट एग्जामिनर का जो एग्ज़ाम हुआ था, टिकट कलेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था आपको लखनऊ डिवीज़न में, जो पूर्वोत्तर रेलवे पड़ता है, उसमें ये पूछे गए हैं। यह एग्ज़ाम 30 मई 2024 को हुआ था। तो इस क्लास के माध्यम से यह एनालाइज कर सकते हैं कि जो जीके जीएस पूछे गए थे उस एग्ज़ाम में, वो नॉर्मल तरीके के पूछे गए थे, बेसिक पूछे गए थे, ठीक है, और ऑफिशियल लैंग्वेज है राजभाषा के क्वेश्चन भी नॉर्मल दिए गए थे। तो ज़रूरत है सिर्फ तैयारी करने की, ज़रूरत है अपने नॉलेज को बूस्टअप करने की। हम आपको जो भी वीडियोज वगैरह, जो भी लिंक दे रहे हैं टेस्ट के लिए, जो भी पहले से प्रीवियस वीडियोज हैं, वो सफिशियंट हैं आपके सीसीटीसी एग्जाम के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो तैयारी में लगे रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सर्क एंड रॉन एलडीसीई क्लासेस।